الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. رهبران قوم، میرے بزرگوں، دوستوں اور مجاہد ساتھیوں، آپ حضرات نے اس میدان میں اور اس میدان میں آنے سے پہلے دوران سفر جس نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا ہے، جس امن و آشتی کا مظاہرہ کیا ہے، آئین اور قانون کی جو پاسداری کی ہے، ساری دنیا آج آپ کو خراج تحسین پیش کرتی ہے، مغربی دنیا، یہاں تک کہ امریکہ کے ذرائع ابلاغ آپ کو سراہ رہے ہیں اور 18 سال پہلے 9/11 کے واقعے کے بعد مذہب اور مذہبی طبقے کی جو بھیانک تصویر دنیا کے سامنے پیش کی گئی تھی، آج آپ کے اس آزادی مارچ نے 18 سالوں کے غلط پروپیگنڈوں، منفی تاثرات کا خاتمہ کر دیا ہے اور دنیا نے تسلیم کر لیا ہے کہ یہ پرامن بھی ہیں، منظم بھی ہیں اور انسانیت کے قدردان بھی ہیں. یہ خواتین کو وہ احترام دینا جانتے ہیں جو ڈی چوک کے رنگ رلیاں منانے والے نہیں جانتے. مغربی ذہنیت کے حامل جاہلانہ رجحانات رکھنے والے لوگ وہ انسانیت کی قدر کیا جانیں. الحمدللہ آج آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ ہزار آپ مذہبی لوگ ہوں لیکن انسانیت آپ سے مطمئن ہے. کوئی شہری آپ سے پریشان نہیں ہوا، نہ راستے میں کوئی پریشان ہوا، نہ یہاں اسلام آباد میں کوئی پریشان ہے. سوچتا یہ ہوں کہ پورے ملک سے پولیس منگوائی گئی ہے، کنٹینر منگوائے گئے ہیں، چوراہوں پہ کھڑے ہیں، راستے روکے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں ان پر کتنے کروڑ کروڑ روپے خرچ ہو رہے ہیں پاکستان کے خزانے کے. کوئی تو اس کا احتساب لے کہ یہ پرامن اجتماع جو معاہدے کا پاس رکھ سکتا ہے، جو اپنے حدود سے 1 انچ آگے جانے کی بات نہیں کر رہا، صبر، تحمل اور امن کا مظاہرہ کر رہا ہے، پورے ملک سے پولیس اسلام آباد بلا کر اور کروڑوں روپے ان کے اوپر خرچ کر کے ملکی خزانے کو جو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، کیا ہے کوئی ادارہ اس ملک میں
क्या है कोई नेब जो अपने इस मुल्क के हुक्मरानों को इसलिए अपने अदालत में बुलाए कि तुमने पाकिस्तान का करोड़ों रुपया इस बेमानी किस्म की प्रैक्टिस पर क्यों खर्च कर दिया है। मेरे मोहतरम दोस्तों, हम पूरी दुनिया को अमन का पैगाम देना चाहते हैं। हमने 15 मिलियन मार्च किए हैं, वो भी पुरअमन। हम आज पूरे मुल्क से यहां आए हैं, ये भी पुरअमन। कल अगर अमन खराब होता है तो जिम्मेदार कौन होगा? हम तो एक साल से मैदान में खड़े हैं। गुज़श्ता साल नवंबर और आज का नवंबर, गुज़श्ता साल नवंबर में हमने मुल्क के अंदर 3 मिलियन मार्च किए और वहां से हमने आगाज किया था। क्यों किया था? कहते हैं नामूस रिसालत का कौन सा मसला है? क्या तौहीद रिसालत के मुर्तकिब खातून को उजरत के साथ एक ही पेशी में बरी नहीं किया गया और उसके बदले में बैरून मुल्क शहरियत और वहां के बराआत हासिल नहीं किए गए? और फिर इस जाली वजीर आजम ने बड़े इकराम के साथ उसको मुल्क से बाहर जाने के इंतजाम कराए। अगर एक शख्स वो बरी है, बाइज्जत बरी है, वो जुर्म की मुर्तकिब नहीं, तो फिर अपनी रियासत उसको तहफ्फुज क्यों फराहम नहीं कर सकती और मुल्क का हुक्मरान उसको दूसरे मुल्क भेजने के इंतजाम क्यों कर रहा है? तो इस किस्म के मफरूजों के बुनियाद पर सारी जिंदगी इस मुल्क में हमने यही देखा कि एक खौफ का मफरूजा कायम करके इस कौम को ब्लैकमेल किया गया है। क्या कादियानी फिरके के सरबराह के पास इलेक्शनों से पहले तहरीक इंसाफ का वफद नहीं गया और उनसे मदद तलब नहीं की थी? क्या अभी चंद हफ्ते हुए कादियानियों के सरबराह ने नहीं कहा था कि अब पाकिस्तान में हमारे खिलाफ आईनी शिक खत्म होने वाली है? अब जब लोग मैदान में निकल आए, आप जैसे सरफरोश मैदान में निकल आए और उनकी बोलती बंद कर दी, उनको अपने नापाक अजाए में पीछे धकेल दिया, अब कहते कोई मसला ही नहीं था। जिस तरह चोर चोरी करते पकड़ा जाए, कहते मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा था। तो इस हवाले से झूठ न बोला जाए कौम के सामने। कभी कहते हैं कौमी कमीशन बनाया जाए ताकि इस बात की तहकीक करे कि धांधली हुई या नहीं। तहकीक उस चोरी की जाती है जिसके गवाह ना हो। जिस चोरी पर पूरी कौम गवाह है उसकी तहकीक नहीं की जाती, उस पे हुक्मरान को रुख्सत किया जाता है। नारे तकबीर, चोर वजीर आजम, चोर वजीर आजम, जेली वजीर आजम, यहूद नवाज वजीर आजम, कादियानी नवाज वजीर आजम। मेरे मोहतरम दोस्तों, सारी दुनिया को चोर कहने वाले तुम्हारी पूरी पार्टी की फॉरेन फंडिंग का केस
पांच साल से इलेक्शन कमीशन में क्यों लटक रहा है? पांच साल से इलेक्शन कमीशन में तुम्हारे अपनी पार्टी के सीनियर लोग, तुम्हारी अपनी पार्टी के बानी लोग वो आपके खिलाफ कमीशन में गए हैं और कह रहे हैं कि अरबों रुपया आया, हिंदुस्तान से भी आया, यूरोप से भी आया, बहुत से ममालिक से फंड इकट्ठा किया गया, किधर गया वो? और मैं आपको आज बता दूं कि पांच साल तक इस केस को मुअख्खर करते करते, मुअख्खर करने के लिए तुमने अदालतों में 60 दरखास्तें जमा की हैं, 60, 7 नहीं, 60, और तमाम अदालतों में तुम्हारे 60 के 7 दरखास्तें खारिज हो चुकी हैं। किसी अदालत ने भी आपकी ये दरखास्त कबूल नहीं की कि ये केस नहीं चलना चाहिए। हर दरखास्त तुम्हारी खारिज हो चुकी है, उसके बावजूद आज तक इलेक्शन कमीशन इस हवाले से कोई फैसला क्यों नहीं कर सका है? और जब पूरी पार्टी चोर है, पूरा टप्पर चोर है, फिर उसको क्यों तहफ्फुज़ दिया जा रहा है? फिर उसको इंसाफ के कटहरे तक लाने के लिए क्यों ताखीर हर में इस्तेमाल किए जा रहे हैं? नारे तकबीर, चोर वजीरे आजम, नाकाम वजीरे आजम, गैर मुहज्जब वजीरे आजम। मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं नहीं कह रहा, लेकिन एक मुसद्दका सूरत हाल सामने आई है कि रिजेक्टेड वजीर आजम की हमशीरा, उसने दुबई में 60 अरब के सरमाया बैंकों में कैसे पैदा किया है? कहां से वो पैसा आया? और तुमने एमनेस्टी के जरिए अपनी बहन के 60 अरब डॉलर के गबन को छुपाने की कोशिश की है। यह है एनआरओ जो तुमने अपनी बहन को दिया है और जिसके लिए आप सियासतदानों से कहते हैं हम आपको एनआरओ नहीं देंगे। इसलिए आज इस पूरी कौम के सामने खड़े होकर ये कहने का हक मुझे पहुंचता है, तुम्हें नहीं, कि मैं आपसे कहूं कि अब आपको कोई एनआरओ नहीं मिलेगा। नारे तकबीर, सिलेक्टेड वजीरे आजम, रिजेक्टेड वजीरे आजम। मेरे मोहतरम दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूं कि वो कौन सी कुव्वत है कि जिसने धांधली के जरिए इसको इख्तदार की कुर्सी तक पहुंचाया? वो कौन सी लॉबी है जिससे पाकिस्तान के नौजवान को गुमराह किया, पाकिस्तान के हमारी माओ बहनों को गुमराह किया और इस नाअहल से कौम की उम्मीदें वाबस्ता कराई? बिला वजह ये लोग यहां नहीं बैठे हुए। और मैं अफवाज पाकिस्तान के तर्जमान ISPR के इस बयान का खैर मकदम करता हूं जिसमें उन्होंने बड़ी तसल्ली कौम को दे दी है कि फौज गैर जानबदार इदारा है और वो गैर जानबदार रहना चाहता है। अल्लाह इस्तेकामत नसीब फरमाए। अफवाज पाकिस्तान के लिए इतना गुन हुजूम के साथ आमीन शायद इन्होंने आज तक कभी पहले नहीं सुना होगा। नारे तकबीर, पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाक फौज, पाक फौज, इस्लाम। वो दिन भी आपको याद होगा जब हमारे जवानों ने
हिंदुस्तान का तैयारा गिराया और उनके पायलट को पकड़ा, हमारे कारकुनों ने पूरे मुल्क के चौकों पर खड़े होकर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया था, उन्हें शाबाश पेश की थी। ये आज भी वही लोग हैं, आज भी वही लोग हैं, लेकिन गिला अपनों से होता है, परायों से नहीं हुआ करता। गिला शिकवा अपनाइयत की अलामत होती है, दुश्मनी की अलामत नहीं हुआ करती। तो अपने मुल्क के अंदर बात करना, अपनों से अपनाइयत के जज्बे से बात करना, और इस जज्बे के साथ कि हम कौमी इदारों को सियासत में नहीं घसीटना चाहते। आपने कह दिया हम गैर जानबदार, हम खैर मकदम करते हैं आपकी इस बात, झगड़ा ही खत्म हो जाता है। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों, हमें अपनी अमानत वापस लौटाओ। वोट कौम की अमानत है और इस इज्तिमा को हकारत की नजर से मत देखो, इसको संजीदा लो। हम वो लोग हैं जब सारी दुनिया मजहबी तबके को इश्तआल दिला रही थी और मजहबी दुनिया का नौजवान असलहा उठा रहा था, हमने उसके कंधे से असलहा उतारा है, हमने उसके हाथ में वोट की पर्ची पकड़वाई है, हमने शिद्दत के रास्ते की बजाय उनको एतदाल का रास्ता बताया, आईन का रास्ता बताया। और मैं शुक्रगुजार हूं इस पूरे मुल्क के मजहबी तबके का कि जिसने मुल्क के साथ खड़े होने का फैसला किया, जिसने आईन के साथ खड़े होने का फैसला किया, जिसने अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना पाकिस्तान की बका की जंग लड़ने के लिए उनके साथ मिलकर लड़ने का अज़्म जाहिर किया है। वोट को इज्जत दो, वोट को, वोट को, आईन को, आईन को। इस तरह के वफादार आपको नहीं मिलेंगे, ये बड़े कमिटेड लोग हैं, ये पाकिस्तान का क्रीम है, क्रीम 22 करोड़ आवाम के अंदर से ये क्रीम आया है, उसमें तमाम सियासी जमातें, उनके कारकुन, पाकिस्तान की तमाम तंजीमों के लोग यहां मौजूद हैं। और कितनी तंजीमें हैं जो अपना शिकायत हम तक पहुंचाते हैं कि हम यहां इस जलसे में उनकी तर्जुमानी कर सके। लिहाजा पाकिस्तान की इन शहरियों को कदर की निगाह से देखो, इनके मुतालबे को तस्लीम करो और इनको अपना हक दो। कोई मुज़ाकरात की जरूरत नहीं है, कोई हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, बेमानी आनियां जानियां नहीं होनी चाहिए। आओ तो इस्तीफा साथ लेकर आओ और इख्तदार के आवाम को छोड़ने का ऐलान करके आओ, आप हमारे भाई हैं, आप हमारे पाकिस्तानी शहीद। इस्तीफा दो, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, जेली खान, जेली खान, चोर खान। सलाम है। अब तक जितने फैसले आए हैं, जहां किसी ने इंफिरादी तौर पर अदालतों से रुजू किया है, हर जगह तुम्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। मेरे पीछे एक वकील साहब खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि मैं भी इतना बड़ा सबूत लेकर आया हूं अपने हलके की धांधलियों का। आपको शेम शेम, इमरान खान, चोर खान। और ये बता दूं, कल आपने देखा कि पाकिस्तान बार काउंसिल की क्यादत
सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन की क्यादत, और ये सिर्फ नौ मुंतखब लोगों की बात नहीं कर रहा, इंशाल्लाह इस सुप्रीम कोर्ट के बार के साबिक ओहदेदार भी आपके सामने आएंगे और आपकी हिमायत करेंगे, आपके साथ रहेंगे इंशाल्लाह। मेरे मोहतरम दोस्तों, हमने ये सफर बड़ी जुर्रत के साथ, बड़ी गैरत के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ, इस्तेकामत के साथ मंजिल तक पहुंचानी है, और हम अब इससे कम पर राजी होने वाले लोग नहीं। इस्तीफा हमको चाहिए, हमको चाहिए, आज ही चाहिए, आज ही चाहिए। मौलाना कहता है, महमूद खान कहता है, अपोजिशन कहती है, अभी दे दो, आज रात दे दो। तो ये मेहरबानी करो, हम कौमी इदारों से कहना चाहते हैं, बिरादराना लब लहजे में कहना चाहते हैं, इसको अपनी कौम समझो। ये वो लोग हैं जो आपके साथ होंगे, जिनके मुंह में दूध के घूंट हैं, वो आपके साथ नहीं चलेंगे, वो इस मुल्क की खिदमत नहीं कर सकते, और ये सारी चीजें अब महाज पे मैदान पे होनी चाहिए। कौम को अपना हक वापस दो, इस्तीफा दो, हुकूमत का घर छोड़ो, अवाम के पास वापस जाओ। हमारे पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब तुम बंद दरवाजे में हो, बंद गली में हो, आपका आपने फैसला करना है कि इस बंद गली में तुमने सांस देनी है या आपने इस बंद गली से आकर कौम को उसका हक देना। कहो भाग जा इमरान, आ गया फजल रहमान, आ गया फजल रहमान, आ गया महमूद खान। भाग इमरान, भाग 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 इमरान, भाग इमरान। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, इंशाल्लाह सर्दी हो या गर्मी, बैठे रहेंगे, बारिश हो या हवाएं, इंशाल्लाह हौसले टूटे नहीं हैं, हौसले और बड़े हैं, बैठे रहेंगे तूफानों में, तूफानों में, इस्लामाबाद के ठंडे मौसम में आपके जज्बात की गर्मी देखकर महसूस करता हूं कि आपके जज्बात की गर्मी ने किस तरह इस्लामाबाद के ठंड को शिकस्त दे है, और जिस तरह आपके जज्बात की गर्मी ने इस्लामाबाद के ठंड को शिकस्त दी है, आपकी तहरीक हुक्मरानों को शिकस्त देगी, और आप इंशाल्लाह फतायाब होंगे। वाखर दावाना हम लेके रहेंगे, इंशाल्लाह कल जुमे का नमाज यहाँ पर इज्तिमाई तौर पर होगी, और यहाँ फिर भी उसी तरह का इज्तिमा होगा, पूरा मुल्क और पूरी कौम यहाँ जुमे में होगी, और परसों सीरत कॉन्फ्रेंस होगी 12 रबीउल अव्वल, हम यहाँ इंशाल्लाह इस मैदान में मीलाद कॉन्फ्रेंस की सूरत बनाएंगे, 11 की शाम 12 की रात, यानी हफ्ते का दिन होगा और इतवार की रात होगी।